इजाजत है। सिरदा गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, सबको नमस्ते। सुशील भाई ने आपको बताया कि ये जो बुखार है यो आना ही आना है, ये मार्च के बाद चालू होगा इसका खेल, और इसको सरकार अपना एक नया वेरिएंट बता सकती है। न्यू कह सका है जो कर पहलम भी के होया, अगर किसी दवाई की वजह से किसी के साइड इफेक्ट हो गए तो सरकार ने न्यू कह दिया बोला भाई एक नया वेरिएंट आ गया। यो खेल समझण की बात है, जो भी इंसान अपने गांव राम ने छोड़ के बॉर्डर पे गया था या जिसने वहां का मंजर देखा गौर से, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज थी के थी? दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर पे, हाँ दिल्ली वाले बॉर्डर, किसान आंदोलन में थी तो नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग? एक ट्रैली में 12-12, 15-15 आदमी पड़ा करते, सफाई भी नहीं होया करे थी, कोई न्यू भी नहीं, एक बार घना साफ सुथरा रनता और जमानू लोग एक दूसरे पोकनते हो, टाइम लग गया नहा लिए, टाइम लग गया खा लिए, टाइम लग गया जिसे अपना जिसा टाइम कटा वैसा टाइम काट लिया, कोई फालतू ध्यान नहीं किसे कहकर, बुखार सुखार कुछ हो भी गया तो अपना देसी इलाज करा, किसी ने फालतू डॉक्टर चक्कर में पड़ा भी नहीं, उड़ाई में लोकल है ना, कोई डॉक्टर नहीं देख रहा, कोई डॉक्टर नजदीक नहीं आया, उसे बॉर्डर के दिल्ली के बॉर्डर तक तो आप उरले के तो बैठे थे कति आराम से, ना किसी डॉक्टर की हिम्मत, ना किसी वायरस की हिम्मत, ना किसी बीमारी की हिम्मत, और उस बॉर्डर तक पर लेके ना सारे मुंह जोड़ा पड़े, सारे बीमार पड़े, सारे डरे पड़े, सारे दहशत में पड़े, ईशा क्यों करो या अप्रैल वाली कहानी, जब आपने देखा कि अप्रैल में ममता बनर्जी वाला जो चुनाव था बंगाल वाला, वो निमटा के आईसीएमआर ने एक प्रोटोकॉल जारी करा सारे डॉक्टर आते, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, सारे डॉक्टर आते, न्यू कहा बच्चा ये कह जा कोई अगला कुछ हो गया ना तो अपनी पद्धति से इलाज नहीं करना है, हमने बताइयो हम थारा टेस्ट करके बताओगे तारे के बीमारी है, और WHO ने कह रखा है कि न्यू करना है टेस्ट, जबकि उस टेस्ट ने बना नाला डॉक्टर मोलिस बहुत पहले ये कह चुका है कि भाई मेरे टेस्ट से किसी बीमारी का पता नहीं चलता, फिर यह समझ में आया कि भैया जो इस बीमारी का खेल था, जो यो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था, इसकी शुरुआत मार्च में हुई थी जब लॉकडाउन लग गया, या फिर उससे पहले हुई थी? किसी नौजवान साथी को यहां इवेंट 201 के बारे में मालूम है भाई दोस्तों? किसी ने बेरा है, है? नाम है इवेंट 201 है? बेरा नहीं ना, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इसलिए था, इतना था कि जो गांव का आदमी गांव छोड़ के कदे गया नहीं, जिसने अपनी खबर भी अपना जो चैनल भी खोला है तो देसी खबर वाला खोला है, हरियाणा में के चल रहा वो देख ला, बाकी किस दिशी कराओ दुनियादारी, आप पूरे भारत की खबरों का भी जायजा नहीं लेते, उस आदमी ने के मतलब है कि दुनियादारी में और अमरीका में के चल रहा, कनेडा में के चल रहा। सितंबर 2019 में, यानी कि यह बीमारी का लॉकडाउन लगन तक 6 महीने पहले, अमेरिका के अंदर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट हुआ था, जितने नौजवान साथी इंटरनेट पर बैठे हैं इन साथियों के लिए बोल रहा हूं यो शब्द में, ताकि आप जाके हमारे जनता सरकार मोर्चा वाले उस पेज पे या मेरा देवेंद्र बलारा वाली आईडी पे या फिर विकास शोरा वाली आईडी पे देख लो जाके ने के भाई यो कौन सा शब्द बोला था मैंने, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी उसने, और खाली अगर इवेंट 201 सर्च करोगे ना अगर अपने सर्च इंजन पे जाके इंटरनेट पे, तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उस जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो इवेंट 201 हुआ, इवेंट 201 बोलते हैं उसको, वो क्या था
वो था कि बिल गेट्स, बिल गेट्स का नाम किस किसने सुन रखा है? आखाइयो जिसने बिल गेट का नाम सुन रखा हो, क्यों वो खटखट टोल पे हमारी कमेटी वाले सतबीर पहलवान है, मैंने कहा अगला बोला तारा नाम तो समझ में नहीं आया पर दो चीज समझ में आई, एक बिल और एक गेट। बोला समझ में आए पाछा बिल न मूंद जाएंगे गेट न पाट जाएंगे। बिल गेट्स की एक संस्था है मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, जिसको भारत सरकार ने 2015 में, जनवरी 2015 में, यानी कि अपनी सरकार बनने के 6 महीने बाद मोदी साहब ने पद्म भूषण का पुरस्कार दिया था। उस संस्था ने एक आयोजन किया कि भाई आने वाले टाइम में दुनिया के अंदर एक महामारी आने वाली है, उस महामारी से बचने के लिए कौन से देश को क्या क्या रोल अदा करने हैं, टेस्ट कैसे करने हैं, मौत होती है तो उनको कैसे संभालना है, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, लोगों के लिए लॉकडाउन कैसे लगाना है, इस पूरे पे चर्चा हुई थी। वह चर्चा इंटरनेट पे पड़ी है या मैं अपने गुरु तक उन बना रहा बात, इंटरनेट पे पड़ी है, क्योंकि जो ये बातें मैं बताऊंगा अगर मैं थोड़े से शब्दों का चयन कड़ा कर दूंगा, असली बात नमू तक कह दूंगा ना, तो हमारा अकाउंट 30-30 दिन के लिए बंद कर दे हैं। क्योंकि अगर हमारा अकाउंट, हमारा सोशल मीडिया पर आपने उस टाइम पे देखा कितना बवाल मचा था, जो जब गिरफ्तारी हुई अपनी चंडीगढ़ में, आप ई बचा के तो वह वीडियो मिले को नहीं आपने, क्योंकि उसके अंदर वो सच्चाइयां हैं जो आप तक वो पहुंचने नहीं देना चाहते। इसीलिए मीडिया को उन्हीं लोगों ने खरीद लिया जिन लोगों ने किसानों के लिए ये 3 कानून बनाए थे, मीडिया को वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने वो 3 कानून बनाए थे। तो आप तक खबर जाने का जो रास्ता है टेलीविजन, वो नहीं जाएगा, रह गया ही भैया फेसबुक और यूट्यूब। फेसबुक आला यू मार्क जुकरबर्ग और यूट्यूब आला जोनसा सुंदर पिचई जो उसका सीईओ है, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21, जिसको अब उन्होंने नाम दे दिया एजेंडा 2030, जो उसको मैनेज कर रहा है, जिसको टेक ओवर कर लिया है। अब यह बात इतनी बड़ी है तो गांव के भोले आदमी की कुछ समझ में आओगी है जी, ये नाम में कौन याद समझ में आवे, ना जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी याद आवे, ना आपके एजेंडा 21 समझ में आवे, ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समझ में आवे, ना आपके न्यूज समझ में आवे कि ये जो ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया के अंदर जो ये पूरा खेल चल रहा है, इसके रचयिता कौन लोग हैं? इसके रचयिताओं में सबसे ऊपर वो लोग हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मालिक है, जिनको फॉर्च्यून 500 बोलते हैं। फॉर्च्यून 500 का नाम तो सुना होगा, फॉर्च्यून 500 है दुनिया की सबसे ताकतवर 500 कंपनियां, 500 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा पैसे के, ताकत के, कंपनियों के, जमीनों के मालिक हैं। वो ये कहते हैं कि जब सारी दुनिया को पैसा हम दे रहे हैं तो दुनिया हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती? जुकर घर में जो पैसा कमावे, मान ले आदमी घर नौकरी लाग रहा है और घर वाली नौकरी नहीं लाग रही है, तो वो न्यू चाह होगा भाई सारी बात मेरे हिसाब तो है, और घर वाली भी नौकरी लाग रही है तो घर वाली फिर न्यू सोच चला जाए मेरे तो पूछ के क्यों नहीं हुआ, और जब घर वाली लाग रही और घर वाला ना करता हो बेरोजगार हो तो फिर घर वाली ने सोचा मेरे हिसाब तो काम हुआ, क्यों कमा के मैं देने लाग रही करना है। तो जो आदमी कमा के देता है किसी को, वो ये सोचता है कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस के जिस प्रोग्राम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ले लिया, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए उस एजेंडे का नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम भारी है लेकिन समझ लो एक नाम दे दिया, जिनका नाम समझ में आ, टेंशन नहीं लेनी, याद रखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आओगी आपके जो मैं बात बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो लोग क्या कहते हैं, देसी भाषा में बताऊं, वो इन्हों कहे कि यह धरती मरण लाग रही है, आदमियों की बात नहीं हो रही, धरती मरण लाग रही है, धरती के ऊपर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, प्रदूषण, पानी वाला प्रदूषण भी, ध्वनि वाला प्रदूषण भी, और जो यो जो हवा वाला है यो प्रदूषण भी, हवा जहरीली होगी वो ऐसा बता रहे हैं। फिर वह न्यू कहे हैं कि हवा का जहरीली होने की वजह से, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया के तापमान जो है वो बढ़ गया, धरती का तापमान, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलन लग गए, तो धरती में मानवता के लिए खतरा पैदा हो गया, तो आपा ने कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बोलते हैं वो लोग,
कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में जाने से रोकना होगा। फिर उन तक किसी ने पूछ लिया, भाई वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लिकड़े कितना है, वह आवे कितना है? तो वह न्यू कहे कि जो जोड़सी हवा में तो ऑक्सीजन है, वह तो ले लिया हाँ आप, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा हाँ। तो वह न्यू कहे कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आदमी और डांगर छोड़े हैं। तो वह न्यू कहे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में जाने से रोकनी पड़ेगी। तो वह न्यू कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाने तो रोकन तो पहले हम फिर वह न्यू कहे मुंह ढक लो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको ले जाओ। वो मारती छिंका ला दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह दुनिया के लिए खतरा है। तो उन्होंने देखा कि कितने का आदमी है जो उनसे ले हुए हैं, उन्हें देखा कि न्यू तो क्लियर बेराना लग गए। तो उन्होंने सोनिया गांधी को बोला कि भाई, क्योंकि कई लोग अगर सोच रहे हैं कि इस सरकार की बात कर रहा हूं मैं, इसमें सारे खिलाड़ी शामिल हैं। इसकी शुरुआत करने वाली सोनिया गांधी थी, जो यही चल रहा है। एक मॉडल चालू होया था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो मालिक है वो कौन है बेरा है? वो है बिल गेट्स। उस बिल गेट्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस टाइम प्रधानमंत्री होया करते, उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने भारत के अंदर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कार्यप्रणाली शुरू करी, जिसका मकसद था भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और अपनी सरकारी सेवाओं में प्राइवेट कंपनियों को एस्टेब्लिश करना, उनको स्थापित करना। आज जो भी यहां बैठा हुआ आदमी सरकारी नौकरी में है, या जिसके घर में सरकारी नौकर है, या जिसका सरकारी दफ्तरों में जाने का वास्ता पड़ता है, तो छोटे दफ्तर से लेकर के और सेक्रेटरिएट तक चले जाओगे, आपकी जनगणना, आपके सारे काम, आपका रिकॉर्ड, आपके सारे यानी लाइसेंस बनाने से लेकर के आपके बैंकिंग सिस्टम तक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा चुका है। आधे से ज्यादा सिस्टम, सारे काम प्राइवेट कंपनियों को ठेके पे दिए जा चुके हैं। यहां तक कि सबसे सेंसिटिव जानकारी पासपोर्ट की, हमारे फिंगरप्रिंट की, जो कि हमारे आधार कार्ड में इस्तेमाल होता है, वो भी प्राइवेट कंपनियों को पास उसका डेटा है, नंदन नीलकेणी के पास। और इसकी शुरुआत करने वाली थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार ने चालू कर दिया, बीजेपी विरोध करा करती उस टाइम के सुषमा स्वराज के, अरुण जेटली के, राजनाथ सिंह के भाषण देख लो, नरेंद्र मोदी के भाषण देख लो। नरेंद्र मोदी उस टाइम क्या करता, आधार कार्ड की सेंसिटिव जानकारी, समाज के लोगों की सेंसिटिव जानकारी प्राइवेट कंपनी को नहीं देनी चाहिए। जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया, अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनते ही नंदन नीलकेणी से उसकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के कुछ चंद घंटों के बाद अरुण जेटली ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हम पूरे भारतवर्ष में आधार कार्ड को कंपलसरी कर रहे हैं, अनिवार्य है। अब आपकी हर चीज के अंदर आधार कार्ड को इस तरीके से घुसा दिया कि आप अगर आधार कार्ड से सिम कार्ड लेते हो मोबाइल का, तो वो गेल की गेल एक्टिवेट हो जाओगा। अगर आप उसको अपने वोटर कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से लेओगे तो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लगेगा। आदमी ने सोचा छोटे ना यार आधार कार्ड दे दे, आपको ये नहीं पता आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ी जितनी जानकारियां उसके अंदर हैं, पूरे परिवार का ब्यौरा, आपकी आमदनी का खर्चे का ब्यौरा, मोबाइल का ब्यौरा, आपके बिजली का बिल, आपके पासपोर्ट की जानकारी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी, आपसे जुड़ी हर सेंसिटिव जानकारी उसके अंदर है, जहां जहां आपने आधार कार्ड दे रखा है। अब ये बात हमारे समझ में था बाहर आ जाए, हमारे समझ में कौन आवे, है ना? क्योंकि हमने तो ये पता ही नहीं कि इस जानकारी का गलत उपयोग कैसे होता है। इस जानकारी का गलत उपयोग होता है जैसे 2014 के अंदर हुआ। 2014 में सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये जानकारी इकट्ठा करती हैं कि गांव राम सोच क्यों कर रहा है, वो किस तरफ सोच रहा है, गांव में कितने तो इसे हैं जिनसे दाने दाने पे रोटी रोटी के लिए मतलब भिख मंगे एक लेवल पे ले आ दिए सरकार ने,
यानी कितने लोग इसे बना दिए जिनसे अनाज खातर सरकार के आगे झोला ठा के खड़े रहे हैं, कितने इसे हैं जो नौकरी खातर पागल हो रहे हैं, कितने इसे हैं जिनसे जमींदार कितने दुखी हैं, कितने कौन सी पार्टी के जुड़ रहे हैं, भगत भी तो बहुत है ना, हर एक पार्टी के अपने गुर्गे बैठे हैं सरकार गामा में, मतलब उनको हम लोग दलाल बोलते हैं, क्यों वह सेटिंग कराया करें, वह सारे का पाया करें, नेताजी तो मिलवाण में भी सब ताक गए, थाने में भी फोन कराने में भी वही आग गए, भाई कोई बुरा ना मानियो, जब कोई बैठा हो पर वो हुआ है, देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वो नेताओं ने इसीलिए पकाए होते हैं बेसिकली, उनका काम में यो है कि लोगों ने ऐसा लग गया गांव के लोगों ने जो बोले आदमी है कि मारी तो सुनाई होती नहीं, बस यो ही करेगा मारा तो बेड़ा पार है जी, ठेकियां भी उनके हिस्से हुए हैं, थाने में जब 50,000 दुआ हो तो 10-20,000 उनने भी मिले हैं, तो यो जो खेल है यो मारे समझ में कौन आवे, लेकिन हमारी जानकारियां जो अपने आधार कार्ड के साथ जुड़ी हैं वो सरकार इकट्ठा कर लेती है, सरकार क्या मतलब प्राइवेट कंपनियां, और प्राइवेट कंपनियां फिर उनको बेचती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाले लोगों को फिर वो बेचती है ताकि आपके लिए भाषण तैयार किए जा सकें, आपको वही बोला जाएगा जो आप सुनना चाहते हो, क्यों जो आप जैसे आप तासा पे बैठो हो, जित जोड़ पे जाके बैठो हो, जित आप मंडलियां बैठो हो, बैठक में बैठो हो, चौपाड़ पे बैठो हो, तो वही बात सारी जगह चल दी रहे हैं, तो फिर इनके गुर्गे उड़ा के उन 5-7 आदमियों के बीच में वही सुरली छोड़ जावे हैं, फिर वहां पता साले सब बदन फिर अपन उस पर वही बात बोलने जावे हैं, आप देख लो वही 4 लाइन बोलेंगे, इस बीमारी की तरफदारी करने वाले और सरकार की तरफदारी करने वाले 4-5 लाइन बोल रहे हैं, पहली बात जिनके मोरे उन बुझियो तुम तो कहो हो फर्जीवाड़ा, जिनके मरे उन पूछियो, सारे चलो चापन न्यू मान लिया भाई, ईसा कह दिया करे भारत भारत में नहीं हो रहा, यू सारी दुनिया में हो रहा है, मान लिया तो मोदी कर रहा होगा भाई, उड़े कौन कर रहा है, हाँ करांगे उसने बोला भाई पूरे दुनिया में हो रहा है, फिर कहेंगे अकबला भाई इतने लोग मरे यू के था, जे सारी बात बता दें इनते सारा खेल समझा दें, फिर नुकाम भाई बात तो तेरी ठीक है पर कुछ न कुछ तो है जी, इसते न्यारा इस सरकार की तरफदारी करने वाला की इस बीमारी की तरफदारी करने वाला पे कुछ नहीं इस ताक गए, लेकिन फिर मारा न्यू समझ में आने लगी भाई इन लोगों ने समझावा क्यों कर, समझाना जरूरी क्यों है, पहली बात तो यह समझ लो समझाना जरूरी क्यों है, समझना समझाना हमने यू खेल समझ में आया, ज्यादा तो समझ में आया था इस बीमारी के इस लॉकडाउन के शुरू होने के बाद, लोग तो उस टाइम पे टेलीविजन देखा करते दिन रात, मेरे घर में टेलीविजन कौन था, और मेरे ख्याल से तेरा भी कोनी, मैंने देखा अपने भी घर में कोनी है, तो जिन जिन का यह बात समझ मारी मैंने एक चीज समझ में आई कि उनके घर में टेलीविजन कोनी, तो टेलीविजन नहीं है तो या तो वो समाज से मैं बात कर रहे हैं या फिर वो कमेंट में इसी चीज पढ़ रहे हैं जो टेलीविजन में नहीं आती, तो मैंने इस बीमारी के पूरे जानकारियां को इकट्ठा करने के लिए मैंने इस खेल को समझने की शुरुआत करनी शुरू करी कि यार यू चालू कितना होया, इन्हें संभाल कौन रहा है, बिल गेट्स जो बयान देवे है वो ये बयान प्रधानमंत्री क्यों देवे है, बिल गेट्स का इससे के संबंध है, फिर देखो यू पोलियो वाला खेल भी बिल गेट्स का चलाया उड़ा है, फिर मैंने न्यू देखा कि पोलियो तक कितने बड़का का नुकसान होया और उसकी जो दवाई दी उससे कितने का नुकसान होया, फिर समझ में आया कि असली कहानी तो यह है कि आप तक असली जानकारी आने नहीं देंदी सरकार, इब आप बता दो अपने गांव में जापा न्यू मान के चाल पड़ा 50% लोगों ने आपा मान की चाल पड़ा बेरा नहीं 50 की 60 की 80 की जितने की भी हुई होगी, मान लो आप ये मान लिया कि 50% लोग दोनों खुराक ले रखी है अपन यू मान लिया, तो मैंने पूरा यकीन है कि जय अपने गांव की कितनी जनसंख्या आबादी वोट कितनी है 18 ऊपर के 6,000 है अपन मान लिया 3,000 ने दोनों की दोनों खुराक ले ली है, तो मैंने पूरा यकीन है कम से कम 500 आदमियों के शरीर में कुछ न कुछ नुकसान हो रहा होगा, अपनी गाड़ में जाके देखोगे ना किसे के पाँव में दर्द, किसे के सिर में दर्द, किसे की आंखों में दर्द, किसे के लकवा, हार्ट अटैक की संख्या या ब्रेन हेमरेज की संख्या
या जो सुशील कह रहा था भाई, जो मतलब ऐसी बीमारी जिसका समाज में आप जिक्र भी नहीं कर सकते, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग बाग, तो लगभग 200-400 तो होंगे, चल आप 100 जने मान लिया, 100 तो होंगे गांव में, ज्यादा होंगे ना, आप पे कह रहे ज्यादा होंगे, लेकिन मैं यू मान के चलूं 100 होंगे। अपने पूरे हरियाणा, हरियाणा में 6800 गांव हैं, और इसे गांव भी हैं जित 20-20 हजार की आबादी है। अपा अगर यो मान के चला गांव के लिया 100 आदमी है, तो 6800 गांव में 6800 आदमियों का नुकसान हो रहा, कम से कम कति मरे तुम्हारी हालत की बात बता रहा है। हाँ, 680000, 6800 नहीं, 68000 नहीं, 680000 हो गए, यानी लगभग 7 लाख लोगों का नुकसान हो गया। मैंने न्यू बताओ, 7 लाख लोगों की कितने सरकार पे लिस्ट है के, 7 लाख लोगों की उस बीमारी का, उस नुकसान का किसी ने जिम्मेदारी ले के, उस जिम्मेदारी का कोई अरजाना दिया किसे तय भाई? आपने मान लो किसी बुजुर्ग ने अपना शरीर पाड़ा 60 साल और उसके शरीर में नुकसान कर दिया एक केमिकल ने। मेरे दो एक चैनल के ऊपर वह IMA वाले दो डॉक्टर बैठे थे, वह न्यू कहे थे, बोला लाख में किसे एक का साइड इफेक्ट हो सके हैं। मैंने न्यू कहा, भाई डॉक्टर साहब मैं आपकी बात तो मान गया, पापा तेरी ये बात ने बड़ी मान लिया कि लाख में एक के किसी का नुकसान हो गया होगा। गर्म पानी कराइए भाई, लाख में तो एक के किसी के शामी तक करा लो गर्म थे भाई, किसी का नुकसान हो गया होगा। आपके लिए तो वो केस हो सकता है भाई, केस बिगड़ गया। सरकार के लिए वो आंकड़ा हो सकता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन जिसका घर में कमान आड़ा खत्म हो गया, उसका तो नाश हो गया घर का, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपनी लड़ाई यह है कि भाई चाहे 10 लाख में एक के नुकसान हो, लेकिन जिसके नुकसान हो उसका जिम्मेदार साहब होना चाहिए एक आदमी, और उस जिम्मेदारी को तय होकर उसके परिवार की जिम्मेदारी को सरकार को लेना चाहिए, समाज को नहीं। क्योंकि सरकार हमारे टैक्स के पैसे से ऐश कर रही है। जिस टाइम पे हम लोग महामारी से जूझ रहे थे, उस टाइम पे सरकार को चलाने वाला इन कंपनियों का दलाल जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो अपना जहाज लेने लग रहा था नया, या किसी बीमारी है उन्हें जहाज लेना पड़ रहा है अपना नया। देश तो न्यू कह दान दे, मेरे तो देश संकट में है, अपना प्राइवेट खाता खोल गया, अपना अकाउंट खोल गया, NGO जो PM केयर है, अपना NGO खोल गया, लोगों की तनख्वाह धक्के तो उसमें जमा करवा ली, और अपना जहाज खरीद लिया, और लोगों तो न्यू कह बहुत माड़ा टाइम चल रहा है, और आप बोल दे नहीं सकते। बेरा ही नहीं कितने करोड़ ला दिए, 68 करोड़ कौन लाए जी? एक एक ट्रिप के 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं, और ट्रिपा का मेरे पे पूरी लिस्ट पड़ी है। आड़े जन धन योजना लागू करी, लोग बैंका की लाइन में लाग गए, वो जापान पहुंच गया। आड़े लोग बैंका की लाइन में लाग गए कि तमी अपना पीछे जमा कराओ, नोटबंदी होगी, वो उड़ा पहुंच गया। बड़े बड़े खेल चल रहे थे, सारी बातें समझेंगे आप इसमें, जब इब तो आप शुरुआत कर रहे हैं, जागृति की शुरुआत है या जो आप बैठे हो। अगर आप खुद घर से नहीं निकले ना, तो आने वाले वक्त में वो जो 100 आदमी जिनका नुकसान होया है ना, आड़े बिठा एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका वो नुकसान ना होगा, एक भी नहीं होगा। क्यों कह रहा हूं मैं यह बात? क्योंकि ये दो के बाद नहीं रुकने वाले हैं। यह बात मैंने जब कही थी, जब ये शुरू भी कौन हुए थे कि 8 आवेंगे 8, फिर एक नई बीमारी आओगी, फिर एक और वायरस आओगा, वो वायरस न्यू कहेंगे कि वो वायरस नोटों से फैलता है, कागज से फैलता है। भाई कागज तो नोटा पा हुआ है, तो नोट बंद करने पड़ेंगे, नोट बंद करने पड़ेंगे तो भाई बैंक फिर अपना पैसा कहां जाएगा? उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया, भाई आपका 5 लाख तो सुरक्षित है, पहले 1 लाख होया करता। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने एक आयोग बिठाया हुआ है, वो आयोग बताएगा कि डिजिटल करेंसी लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। डिजिटल करेंसी का मतलब है पैसे नाम की चीज खत्म। सरकार के पास आपका डाटा होगा, आपके मोबाइल में सब कुछ होगा। इव कह देंगे अर्जुन ना मोबाइल चलाना ना आंदा उनका, उनके लिए कोई बात नहीं, उनके लिए हाथ में चिप ला देंगे एक, थारा सारा डाटा उसमें होगा, उसे में लाइसेंस होगा, उसे में आपका यो जो सर्टिफिकेट मांगे हैं ये 2 खुराकों का यो होगा, उसे में मतलब जितनी जानकारी आपसे जुड़ी है सारी उससे मांगी।
तो कितने भी अगर गेट खोलना या कुछ और करना या कितने भी ऐसी चीज है जो अगर सेक्रेटरियट में चले गए ईब तो कागज दिखाना पड़ा है। कागज किसे का ले जाओ तू दिए अपना सर्टिफिकेट ले दिखा देंगे। ईब तो अपन न्यू लागे कि काम चलाने खातर आशा वर्कर तक कह दिया रे तू मेरा वो चढ़ा दे न्यू चढ़ा दे बिना लगवाए अभी काम चल रहा है गांव में। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको आज से 50 साल पीछे भी जाना पड़ेगा और 50 साल बाद की भी सोचनी पड़ेगी। जब ये दोनों चीज जोड़ के और समझ लोगे तो तस्वीर आओगी समझ में पूरी। और जब सिर्फ इसने न्यू मानोगे कि सरकार बीमारी का यो लेकर आ रही है मतलब या फिर बीमारी आ रही है और अपने कुछ लागन लाग रहा है कोई एक खुराक दो खुराक अगर सिर्फ इतना सोचोगे ना तो फिर समझ में कौन आवे। अब इसको समझाने के लिए आप चलते हैं 50 साल पहले 70 के दशक में आपको नए बीज दिए सरकार ने उनका नाम दिया हाइब्रिड बीज फ्री में दिए आपने तो बेरा होगा है ना ताऊ फ्री दिए थे। अर न्यू कहा था कि ये बोगे तो इनके दाम फालतू में लेंगे बाजार में इसने बोगे तो यह डालनी पड़ेगी खाद वह भी सब्सिडी पे दिया करती सरकार सोसाइटी बना दी ले जाओ मतलब फ्री के रेट बड़ी बरगाए दे दिया ले जाओ तमी अपन बोने शुरू कर दिए। जिस टाइम पे ये नहीं आए थे बीज हाइब्रिड बीज उस तो पहले आपने कदे किसी का हार्ट अटैक होया देखा था बेरा कौन था के हो है ये बुजुर्ग ये बड़कन बताने लग रहा हूं बड़ों को। उस तो पहले कदे कोई बिरला किसे गांव में 10-20 गांव में एक होया तो होया जिसके बालक ना होता हो कोई बिरला नहीं तो ईसा कोई परिवार नहीं था जिसमें बालक ना होता हो क्यों जी यानी इंसान में बालक पैदा करने की भी पूरी ताकत थी मारे बीजा में भी पूरी ताकत थी मारे डांगरा में भी औलाद पैदा करने की पूरी ताकत थी समझ गए। बीमारी हार्ट अटैक का कौन बेरा था ब्लड प्रेशर का भी नहीं बेरा था शुगर के होया भी नहीं बेरा था मिठा ही मिठा पाड़ा कर दे आपा अलवा साहब बदन लपसी साहब बदन गुड़ तक घाटापन काम नहीं करा मिठा शक्कर तक छोड़ा नहीं गंडे मतलब मिठा ही मिठा खायापन तो खाण ने नहीं पाता वह बात दूसरी डॉक्टर खाण कौन दंदा जब खाना जी भी करेगा तो शाम इधर रह रहा ना भाई डॉक्टर ने नाट रखा। मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम पे आपके पास सारी चीजें थी ना तो घी का ओड था अपना तो इसे कहानी भी मशहूर है कि आप तो पी जाया कर दे बोला फलाना इतना पी जाया करता फलाना इतना पी जाया करता क्यों जी है आधी किलो का घी हलवा खा गया पाइया का हलवा खा गया कहानी चला करती अरे कहा आप तो इन गंदो का बेटे खुआ के दिखाओ ना आज के छोटा ने तो यह जो बात थी जो जोड़ू था कि आप लोगों को बीज दिए आप लोगों को खाद दी आप लोगों को पेस्टिसाइड दी और उसके बाद आप लोगों को पैसे के साथ जोड़ा फिर उसके बाद जो आपका जो धुरी थी जो समाज की वो थी आपस में काम करने की के भाई मारा नाई उन्हें भी रुपये कौन सी है खाण ने दाने चाहिए डांगरा खातर न्यार चाहिए इतने गाक हैं इतने गांव में अपना जजमान है अपना सब काटा जब एक कदे एक का नंबर कदे एक का तो कदे 2 महीना 3 महीना उसका नंबर आया करता न्यू है अपना चमड़े वाला काम करने वाला का था यो है जो किसी गांव में नाई हो उनका था या दूसरा धोबी हो उनका किसी का दूसरे कुम्हार कुमूर होया करते लुहार होया करते गंडा सिंगडू से चंडवाया करते तो किसी ने रुपया की फालतू टेंशन होया नहीं करे थी ना कोई भूखा मरे था ना कोई चोरी ठगी डाके इसे चाला करते छोटी मोटी समाज में होया कर वो चाल जाया करे तो ईबीसा क्या होया कि हर आदमी को पैसे के साथ जोड़ दिया और फिर हमारी पढ़ाई को कंपटीशन वाली पढ़ाई बना दी। उस टाइम पे तो मारे भी याद है जब नए नए सरकारी स्कूल नए नए प्राइवेट स्कूल खुले और कड़े गया राजेश बैठा था उनने भी खोला था राजेंद्र में प्राइवेट बिल्डिंग किराए पे ले गए वो मेरी गेल पढ़ रहा है जाता है टपेटी का बन जा है मैं फबड़ाने का हूं तो हम कट्ठे पढ़ रहे हैं जाता बेरा जब उन्हें स्कूल खोला तो वो चालू करी थी आठवीं में भी सातवीं भी आठवीं का सिलेबस करवाया कर दे नौवीं भी दसवीं का पढ़ाया कर दे दो दो साल रट्टे मारवाने वाले फलाने का बालक ने वजीफा मिल गया वजीफा पहले वजीफा फिर नौकरी फिर पैसा
फिर शहर में जाना। तो इब अपन राह पा गया कि जोन सा गांव में रह है उसकी तो इसे इसे बीज दे दो, और जोन सा गांव से बाहर जावे है उसने 12 रुपया दो, गांव में नहीं उसने कुछ मिलना चाहिए। तो जमींदार ने अपनी औलाद ते न्यू कहना शुरू कर दिया, भाई आड़े कुछ नहीं धरा, नहीं तो न्यू माटी में बाटी होगा कि मैं पढ़ के बाहर कुछ धंधा कर ले। यो बना जी है ना, तो आपा ने अपनी जड़ काटनी शुरू कर दी। अब आपको एक चीज बताता हूं, ये जो आपने जो बीज दिए थे, ये जो खाद बीज दिए थे, जो हरित क्रांति आई थी, इसको लाने वाला कौन था? बेरा है नहीं बेरा किसी ने? लाल बहादुर शास्त्री नहीं था साहब, इसको लाने वाला था रॉकफेलर फाउंडेशन। इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, अमेरिका की फाउंडेशन है। रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम क्यों लिया आपको समझ में आएगा। दुनिया के अंदर जितने भी तेल के कारोबार हैं, तेल के कुओं के ऊपर कब्जा है अरब कंट्रीज के अंदर, जो तेल का व्यापार का सबसे बड़ा माफिया है, जो अंडरवर्ल्ड का माफिया है, उसका मालिक है रॉकफेलर फाउंडेशन। अब वो तेल देता है अपने को डीजल, उस पर रुपये कमावे हो। और कमाल की बात यो है कि उस कच्चे तेल में से जब पेट्रोल और डीजल साफ करते हैं, तो उसको साफ करने के बाद जो केमिकल बच जाए कबाड़, उससे बनते हैं पेस्टिसाइड। समझे आप, वो जो आपा खेतम घेरा है ना, ये उस कबाड़ के हुए केमिकल से बनते हैं। तो कबाड़ अपने को खाने के लिए खेत में डालने के लिए वो अपने को वो कबाड़ देता है केमिकल्स। वो जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनको बनाने वाला भी वही रॉकफेलर। ठीक है जी, आपने हरित क्रांति के नाम पे वो डाल दिए, आपकी फसलें ज्यादा होने लग गई, आप बीमार होने लग गए। अब जब आप बीमार हो रहे हो, रेगुलर हर घर के अंदर बीमारी आ चुकी है, अब आप जब उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई खाते हो, वो दवाइयां भी उसी केमिकल से बनती हैं। और उन दवाइयों का सबसे बड़ा बिग फार्मा, जिसको बिग फार्मा मालिक बोलते हैं, फार्मा जो लॉबी है उसका मालिक भी वही रॉकफेलर। यानी आपका पैसा हर तरफ से उसी एक परिवार के पास जान लग रहा है। समझ रहे हो, एक बिल गेट्स, एक रॉकफेलर। बैंकिंग सिस्टम ने आपको कैसे दिया कि आपकी जमीन को इस तरीके से उसकी उपजाऊ शक्ति घटा दी कि आज जैसे आपके बच्चों को नई नई बीमारियां हो रही हैं, वैसे ही आपके डांगरा के नई नई बीमारियां हो रही हैं, वैसे ही आपकी फसलों के नई नई बीमारियां होने लग रही है। जो आज आपकी फसलों में बीमारियां हैं, वो आज से 20 साल पहले 10 साल पहले नहीं थी। एक बीमारी एक साल आवे है, उसकी दवाई आप छिड़को हो, अगले साल नई बीमारी आओगी और फिर उसकी नई दवाई आओगी। समझ गए, यानी के आपकी फसल, आपकी नस्ल, आपके डंगर सब पैरेलल में बराबर चलते, क्योंकि जो आप खेत में डाल रहे हो वही तो अपनी नस्ल को खाने को दे रहे हो, वही अपने डंगर ने दे रहे हो। उस डंगर तो वो दूध आन लाग रहा। भाई अपन न्यू क्या करते, भाई गऊ से बड़ा कोई धन नहीं, एक भी घरीसा नहीं होया करता जिसमें गऊ ना होती हो हमारी। अब गऊ की खासियत क्या होती है कि वो जब गऊ और बकरी जो है वो ऐसी ऐसी जगह पे जाके खायाती है, जड़ी बूटियां जंगल से पहले खाया करती, जहां भैंस नहीं जा सकती थी, इसीलिए हम उसके दूध को, गाय के दूध को अमृत कहा करते थे। बकरी का दूध तो आज भी जो है, ये कोई डेंगू वेंगू हो जाए, बीमारियां हो जाए, तो उसमें पीने के लिए वो कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है। तो आप ये देखो कि वो चीज उन्होंने जानबूझ के खत्म करी कि जंगलों को खत्म करो, नहीं तो इनके डांगर जो हैं, इनकी गायें जो है वो इन तय अमृत देंदी रहेगी। फिर इनके बीज खत्म करो, इन तय कबाड़ खुआओगे खेत में, जो आप नार खुआओगे पेस्टिसाइड वाला, दवाइयों वाला, जब भी तो इनके शरीर में जहर जाओगा। 50 साल का खेल है यो, कदन सोच रहे हो, बाट देखी पूरी नस्ल आखिरी तक के इब क्यों, कारण क्या है। इन बच्चों को नहीं समझ में आएगी ये बातें, आपको समझ में आएंगी। और आपका, बुजुर्गों का इन्होंने ऐसा बट्ठा बिठाया कि ये क्या कह रहे हैं, बोला ना बच्चों को तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो कैरियर हैं, वो जाके अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे, मतलब बैठन ना दो,
कदे में तमने बता दें, बुजुर्गों को साबित करो कि ये तो बोले हैं, इन नैनी बेरा क्या है का, और हम शाणे हैं क्योंकि हमने मोबाइल चलाने आवा इंटरनेट। इन्होंने बुजुर्गों को इसलिए कूण में बिठाया, इसलिए बुजुर्गों से तोड़ने के लिए न्यूक्लियर फैमिली चलाई, इसलिए परिवार तोड़ने वाले खेल चलाए, कानून ऐसे बनाए कि एससी का मतलब नॉन एससी के झगड़े हुए हैं तो उन लोगों को ऐसी ताकत दो कि गामा में रोड़े होने चावे, ताकि अगर कोई हवा देवे ऐसे ही महिलाओं को भी इसी तरीके से तोड़ो आप। परिवार को टूट तभी परिवार टूटेंगे, तभी तो अलग रहेगा, तभी तो आप लोग आसान हो गए ना तोड़ने। पुलिस का आपके गांव में आके लठ मारना इस बीमारी के नाम पे तभी तो संभव हुआ जब आप लोग कल्ले कल्ले थे। आज आके दिखाओ ना कोई, आज सारा खेल समझ में आ गया, आज बढ़ के दिखाओ। लेकिन आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है, कसर है बहुत सारी। के कसर है कि इब्बे अपना पूरा खेल समझ में नहीं आया है। जो यो बिल गेट का नाम ले उठा, कते याद हो आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले यो बिल गेट्स की कंपनियों के लोग अपने गामा में आए थे। मैंने कहा कर देख भाई सरसों का बीज किसे दो पुराना पड़ा हो तो उस टाइम वाला पुराना जो कदे बोया कर दे किसे भी रेट में दे दो, आए दे। बहुत गामा में गए हैं मैं, खास तौर पर क्योंकि हमारे यहां सरसों कम होती है, नून भिवानी के एरिया में होती है, वहां उन्होंने किसी के घर में सरसों का बीज नहीं छोड़ा, एक के घर में ऐसा भी होया 11-11 हजार रुपये किलो लेके खरीद गए, अब किसे रेट दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पुराने बीज जो सारे बीज जो ओरिजिनल बीज थे वो सारे के सारे पेटेंट करा के स्वालबार्ड सीड वॉल्ट नॉर्वे के अंदर रख रखे हैं। बिल गेट न्यू कह रहा है कि जब कदे इंसानियत खत्म हो जाएगी, जब धरती पे ते माने सरिये सारे पतनस्पति उठ जाएंगी, उस टाइम पे नए सिरे ते उगण खातर चाहिएंगे उन्हें के बेरा भाई हम सारे खत्म होवांगे। डॉक्टर ने के बेरा के आने वाले टाइम में मारे ये बीमारियां होने वाली हैं। क्यों कैंसर के अस्पताल जो हैं वह 5-5 मंजिला बढ़न लाग रहे हैं, 2-2 मंजिल तय। क्यों हार्ट अटैक की संख्याएं 5-5 गुना 2-2 गुना 1-1 गुना 1.5-1.5 गुना 2-2.5 गुना होली है। क्यों अस्पताल बाकी बीमारियों से भरे पड़े हैं और इलाज नहीं हो रहा है। इस पूरे के पूरे खेल को इस आज के सिनेरियों से समझिए। आपका बच्चा 2 साल से स्कूल नहीं गया है और ये जो बच्चे कॉलेज नहीं गए हैं, आप में से कोई ना कोई बालक गेम जरूर खेलता होगा मोबाइल के ऊपर, पक्की बात है। और जो आप गेम खेलते हो, गेम खेलने का पैटर्न बता रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा या इन बच्चों को समझ में आएगी जो बात मैं बता रहा हूं मोबाइल पे गेम खेलने वाली है, खेलना है ना वो खेल बताऊं मैं, वो सार्दन खेल रहे तो है। वो वही बात समझा रहा हूं कि उनके मोबाइल पे ऐसी गेम क्यों दी गई है। जैसे आपके समाज को तोड़ने से पहले पहले से ही बोला जाता है, आप खेल समझो कैसे होता है सरकारों का, स्कूल खोलने की अभी कोई इरादा नहीं है, ऐसा शिक्षा मंत्री गुजर ने बोला। अगले दिन वो विकास वाली आईडी के ऊपर वो चाल पड़ी वीडियो खूब चाली, वो बैरी अकबरपुर में लोग लठ लेकर बाहर बैठ गए स्कूल के, आईओ अफसर कौन सा होगा, आड़े बैठे हैं सारे अपना ताश खेल रहे बैठे रहे कि जुन सा होगा हम देखांगे तम पढ़ा होगा अपने बालका ने उन्हें चालू कर दिया स्कूल, तो वह होगी वायरल कसूती डाल सारी सारे भारत में चली गई। उसने देखा देखी घने स्कूल घने गामा ने अपने स्कूल खोल लिए सरकारी खोल लिए। अगले दिन शिक्षा मंत्री का बयान था हम 1 तारीख से स्कूल खोल देंगे। उन्होंने सोचा अगे सारे गांव वाले आपो खुलू आओगे उस तो बढ़िया पहले में अनाउंसमेंट कर दे, गांव वाले ने सोचा अरे 3 दिन खातर क्यों गुंडा होया रहन दे, 3 दिन में खुल तो जावेंगे। फिर उन्हें खेल खेल दिया कि 1 तारीख से केवल स्कूल के अंदर वो बच्चे आ पाएंगे, टीचर तो वो आएंगे जिन्होंने दोनों खुराक ले रखी और बालक वह आओगे जिन्हें पहली खुराक ले रखी है। फिर हमने कह दिया कि तू रोक के दिखाइए, स्कूल मारा बालक मारे थारा खेल मारे समझ में आ गया, कौन लेंदे भाई मारे तो बालक कोना थारा यू सामान लेंदा, हमने नहीं चाहिए भाई मैं बीमार होऊंगा तो मैं आप पे ले लूंगा आके थारे पे, आपा बाकी बीमारियां के टिक्के भी तो आपा फ्री में लुआ फ्री की बजाय पैसे दे के लुआने लाग रहे हाँ चाहे तो न्यू हो अगर बाकी बीमारियां के तो फ्री है और इसके पीछे लागेंगे
पहले तो वह भी भरी में लाए थे, ई वह भी आप पीछे देकर लुआन ला करे, चाहे डीपीटी के हो चाहे अपने खाली खांसी वाले में दूसरे बड़का के लुआया करा, क्यों जी उनके पीछे लाकर ला करे। तो ईब जो अपने मारे है या जब मारे बीमारी होगी हमने न्यू लागेगा कि ठीक होंगे तो हम जाके फिर लुआ ला भाई। तो जब यह बात आई ईब जब गांव राम खड़ा होकर गांव के स्कूल के आगे खड़ा होगा मास्टर समझा देगा ना कैसा है भाई, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, इन बालकान जान दे चाहे किसी का लाग रहे हो चाहे किसी का ना, तो फिर कौन रोकनिया है। गांव राम तो ऊपर थोड़ा कुछ है, लेकिन जय अपन न्यू सोचा गए अरे हमने के जरूरत जारी है, हमने के जरूरत जारी है, हमने तो दो सर्टिफिकेट बना रखे हैं, हम तो तीसरा भी बना लेंगे। उनके लिए बताऊं आगे आगे सेंसर आने लाग रहे हैं, आप किसी भी दुकान में बढ़ोगे अफसर किसी भी दुकान में बढ़ोगे या किसी संस्थान में बढ़ोगे ना तो उस संस्थान के बाहर स्कैनर लगेगा, आपके शरीर में अगर मटेरियल नहीं है वो जो इन्हें डालना है तो वहीं ऑन द स्पॉट डाला जाएगा, फिर क्यों कर बचोगे। और वो खेल बताऊं था जो वीडियो गेम उसका खेल समझना इतना जरूरी है, छोटे छोटे बालकन है अपा संस्कार देन लाग रे, कैसे संस्कार देन लाग रे और किस तरह का समाज बनान लाग रहे उसकी एक झलक बताऊं, और वही संसार आने वाले 20 सालों में वही होने वाला है जो भी बताने लग रहा हूं। आपने मारती सिखाया था बुजुर्ग ने कि जो चीज कुदरत ने फरी दे ही है उस चीज की कीमत नहीं लेनी किसी पे, मारे खेत में आके कोई कितना ही खा गया, मारे घर कोई आ गया तो भूखा नहीं गया, राह में दो कोस पे एक कोस पे पानी का घड़ा धरिया पाओगा और उसमें रोज कोई ना कोई पानी गालदा पाओगा, क्यों जी मारे बेल पे कोई सब्जी लाग गई, मारे घर में कोई पेड़ा खड़ा है उस पे कोई फ्रूट लाग गया, कदे पड़ोसिया पे तो पैसे तो नहीं लिए, नहीं लिए। और आज मारे इन बड़का ने बेरा है कि एक लीटर पानी 20 रुपया का आवे, क्यों जी मतलब ये है कि जब यह आप वाली पीढ़ी तो खत्म हो लेगी, मान लो 20 साल के बाद आप तो जा लोगे, मारे बड़क हमने भी नहीं बेरा है कि भाई 20 रुपए की हमने भी खरीद रखी है, ईसा के हम भी दूध के दूल्हे हैं, हमने भी नहीं दिया भाई हाँ मोल तो आवे है ले पुत लाड़ा, तो छोटे बालक तो नहीं मानना है कि पानी तो फ्री आंदा है को नहीं। अरे बाप के गांव में जोड़ो की मेंटेनेंस के नाम पे प्राइवेट कंपनियों को देना भी शुरू कर दिया इन्होंने, आलिए क्या आपके गांव में रह रहे हैं है? हाँ हाँ वो भी आने लग रहा। तो क्या होया कि गांव के जो जोड़ हैं इन जोड़ा के अंदर प्राइवेट कंपनी आऊंगी, वह नु कहेंगी भाई इन काम करो गांव वाला पे, तो जोड़ समझ दे नहीं, पहले तो आप इकट्ठे मिलकर समार लिया करते भाई, इन पे तो सफाई से कोई होती नहीं, आप एक काम करा कंपनी ने ठेका दे दिया और कंपनी ने ठेका देगा 4 साल का ऊं ठेका दे देंगे भाई तुम काम कर इसकी सफाई रखे रही हो और तमें इसमें मछली पालन वगैरह कुछ करना हो तो कर लो। इब जब आप मछली पालन की उन्हें इजाजत दे देगा गांव राम कंपनी अपना दफ्तर बना लेगी जोड़ के किनारे पे, अपना मछलियां संभाली जाओगे और मैं बेचा जाओगे जोड़ की सफाई करे जाओगे, फिर थोड़े दिन पाछे कंपनी कहेगी सरकार तय अग जी ये गांव वाले तो डांगरा ने पानी पियावे हैं, फिर कहेंगे अच्छा फिर एक काम करो ना दो डांगरा पे इतना ला दो 3 डांगरा पे इतना ला दो टैक्स ला दो, नई टूटी लागनी शुरू होली जो पानी की टूटी है नहीं नहीं शुरू इब नहीं होने वाली है, इब नहीं होगी शुरू, गैस की पाइपलाइन भी आएगी आपके बाहर से पाइप से गैस मिलेगी और वह सारी चीज आपके आधार कार्ड से जुड़ेंगी और वह सारी चीज आपके इस जो पहली दूसरी खुराक वाले सर्टिफिकेट के जुड़ेंगी और वह सारी चीज आपकी आईडी के जुड़ेंगी और आपके बच्चों को सिखाया जा रहा है। वीडियो गेम में क्या होगा भाई, कह तो बंदूक आओगी है ना, कह हथियार आओगे और कह फिर तीसरे टाइप की चीज आओगी कि आप अगर ये टास्क पूरा करोगे तो टोकन मिलेगा, ये टास्क पूरा करोगे तो पावर मिलेगी, ये टास्क पूरा करोगे तो ये मिलेगा, टास्क पूरा करोगे तो आगे चलोगे, टास्क पूरा करोगे तो आगे चलोगे, यही तो अपने से पूछन लाग रे, एक लुआओगे तो दफ्तर में जाओगे, एक लुआओगे तो अस्पताल में जाओगे, एक लुआओगे तो डिलीवरी होगी, यो लुआ का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो सेक्रेटरिएट में जान का यो है कि नहीं, मतलब यो पूरा करो तो सरकार कह रही है तो यो होगा,
ये सिखाया जा रहा है अपनी औलादों को। आपके मोबाइल के ऊपर ज्ञान की बात नहीं आऊंगी मैं, जो बात बताने लग रहा है एक भी झूठी बताइयो तो बताओ जी, एक भी गलत बताइयो तो बताओ, लेकिन इस वीडियो ने जान नहीं देंगे लोगों तक। लेकिन कोई अश्लील वीडियो, गाल देने वाली वीडियो, समाज में झगड़े वाली वीडियो, उसने लोग लाखों करोड़ों देख दे पावे हैं। ये बच्चों के सामने जितने भी फेसबुक चलावे हैं सबके सामने हर दो मिनट के अंदर कोई ना कोई अश्लील वीडियो आएगी, आएगी ही आएगी, आप ला ही नहीं सकते, कितना हंगा ला लो बचे नहीं सकते आप। उसमें लिखा पाओगा इसको अकेले में देखें, और मैं अकेले कुंड में बड़े बड़े देखे जाए बड़ा के सोचा पटर लाग रहा हमारा छोरा, समझ गए? यानी के वो आपके बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग मोबाइल के थ्रू देन लाग रे। और माम सोए होया, अपन सोए होया, अपन फुर्सते नहीं है, अपन बेरा ही नहीं है कि कितना बड़ा खतरा है। आपके बैंक बंद होने वाले हैं, सोशल क्रेडिट सिस्टम आने वाला है, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का जब आपको पूरा खेल समझ में आओगा ना, तो आपको ये लगेगा कि तरीका में हमारी औलादा के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, नहीं तो कोई जरूरत कौन था, वही चला गया बेरा निकित का ही बाहर आया था थोड़ी बार पहले, उसे तो बेरा है हमारा डब्बी है वो तो राजेश, तो मैं चंडीगढ़ रहा करूं और वहीं रहा करता, सरकारी नौकरी पे था मैं, मेरी घरवाली दोनों मास्टर थे, वह मास्टर नहीं थी मैं मास्टर, और हम छोड़ गए थे 2012 में ये समझ के, क्योंकि सिस्टम ने पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है हमारी औलादों को बर्बाद करने का। जैसे अपने खेत के बीज बांझ बना दिए, जैसे हमारे डांगरा के बीज बांझ बना दिए, डांगर तो नहीं अपने अपा नए दूध अपनी मैच गाय न्यू तो नहीं करते ना, थोड़े बहुत रह रहे होंगे टिक्के तो हो, तो टिक्के तो बाजार से ही तो बीज आ रहा खेत का, बाजार से ही बीज आने लग रहा डांगर का, और मेरे ख्याल से 20% तो मनसा का बीज भी बाजार में आने लग गया, आन लग गया ना। तो ईब जब जो कुछ खान लाग रहे हो, जो कुछ खान लाग रहे हो, जो कुछ बोन लाग रहे हो, जिस तरीके की जिंदगी जीन लाग रहे हो, या जिंदे रहे तो सरकार ने इंतजाम कर रखा है कि आपके गांव ने 100 ट्यूबवेल के कनेक्शन मांगे, सरकार के 10 ने मिलेगा, आने वाले टाइम में आपके गांव के लोग आपके यहाँ बालक अप्लाई करेंगे, सरकार दो रख बालक जामना है 100 जने, कहेंगे 5 जाम सको बस, 5 बीज मिलेगा और कौन मिले, या कति प्योर प्रोपेगेंडा है अगर पूरी समझो। ये मैं इसलिए देसी भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा तस्वीर है इसकी समझ मारी हुई, पूरा खेल है इसका समझने वाला, और यो खेल आपने नहीं समझा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको टाइम चाहिए, आपके पास एनर्जी चाहिए, आपको तो आपके पास टाइम है, एनर्जी इनके पास है, तो समझना लेकिन दोनों पड़ेगा। आपा तो लगभग 2 पहले बोलिया करते जब, तो घरा न्यू कह दिया था, मैं तो घराली तो न्यू कहने लगी थी बोला तेरा तो दिमाग फरल हो लिया भाई, जो आदमी अपना बढ़िया सिस्टम चलता होया सेंटर छोड़ के, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, बोर मारने वाली बात नहीं है, मेरी अपॉइंटमेंट 2 की वेटिंग पे होया करती, अपा इसी जगह पर बैठे थे, और कती पूरी मेरे फेसबुक पर जाओगे पिछले कोदे भी इस टाइम तो पहले की, अगर फेसबुक देखोगे ना इस लॉकडाउन तो पहले की, तो आप देखोगे कि मैं महीने के 15 पहाड़ा पे रहा करता, अपन कती जरूरत कौन थी, क्योंकि मेरे ती पागल क्यों कहे कि गांव छोड़ के तो करनाल गया, फिर नौकरी छोड़ के चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में सेटल हो लिया, अमरीका ते कनेडा ते लोग अपने बालका ने लिया के मार दो रहे अपने टेस्ट करवान लग गए, फिर इनको मैं तो चंडीगढ़ छोड़ के गामा के उस पर काम करूंगा, क्योंकि न्यू समझ में आ गया कि देश ने बचा सके तो गांव बचा सके, गांव बचेगा जब तो बचाओगा, समाज बचेगा जब तो बचाओगा, जब मेरे आसपास के सारे नहीं अपने वर्गे बना देंगे ये रांडे बिना औलाद के, फिर मारी औलाद का नंबर अगला होगा, मैं थारे बीच में बैठ के तो बच सकू, आपा एक दूसरे के साथ तो बैठ के बच सका, अकेले अकेले नहीं बच पावांगे इनके षड्यंत्र, फिर थोड़ा और गहराई में जाके देखा
और मैं इस टाइम तक उस तब तक मैं नाम ले चुका था, यो रॉकफेलर, बिल गेट्स और यो। फिर और गहराई में गया तो जब बेरा लग गया, कह रहे भाई अमरीका का उस टाइम का बैठा राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, वो गोली से मार दिया था इन लोगों ने, अपनी तो बिसात के है, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं बचे, अपने भाई यो के नाम राजीव दीक्षित भाई नहीं बचे, वो भी तो जागृति फैलाया करते। तो आपने तो जिस टाइम पे हो तो चलो ईब तो समाज का समर्थन भी मिल गया, आप लोगों का प्यार भी मिल गया है, लेकिन इससे पहले हमने सोचा करते, घरानियों का करते, मगर जरूरी नहीं है मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई है ना वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को काबू किया हुआ है। आप देख लो अरविंद केजरीवाल भी चूं नहीं करता, राहुल गांधी भी वही भाषा बोल रहा है, नरेंद्र मोदी आड़ी वही भाषा अपना चौटाला बोल रहा है, वही हुड्डा बोल रहा है, वही यादव बोल रहे हैं, वही सुरजेवाला बोल रहा है, वही शैलजा बोल रहा है, वह बंसीलाल परिवार बोल रहा है, वह भजन लाल बोल रहा है, वह शिवसेना बोल रहा है, वह आपकी या ममता बनर्जी वाली टीएमसी बोल रहा है, वह कम्युनिस्ट बोल रहे, एक भी नहीं चल सकता। गांव के भोले भोले आदमी ने बेरा ड्रामा चल रहा और इन नकुन बेरा होगा, ऐसा हो सकता है? जब हमने बेरा है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनने लाग रहे, कित बनाए कून बना हुआ है, इन नकुन बेरा। जब हमने बेरा है कि भाई नशा कून बेचन लाग रहा, इन नकुन बेरा होगा, इन्हें सारा बेरा। ये जानबूझ के आपकी नस्लों को बर्बाद करने का खेल खेल रहे हैं। और अगली कहानी सुनो, ये सिर्फ पार्टियों की जुड़ने की मेल करके आपको बर्बाद करने का खेल नहीं है, इससे आगे है। जितना यूथ बैठा है भाई, आप लोगों से एक गुजारिश है, एक छोटी सी, एक तो इस चीज ने समझने के लिए, इस चीज ने समझने के लिए अपनी टीम तैयार कर लो, अपने जो बालक हैं, जो यूथ है, वह मिलके ने और अपने गांव में एक जागृति अभियान चालू कर लो, और इस बात ने समझो कि असली रोड़ा के है जिस खातर मैं आपके बीच में आया हूं। या तस्वीर सी थोड़ी सी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, टाइम के हिसाब से आगे निकलना है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपने बता दूं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला बिंदु ये, अगर कोई बच्चा कोई डॉक्टर मारती कोई दवाई दे है या मारे कोई इंजेक्शन लगा हुआ है, सबसे पहले उसको यह बताना चाहिए यो कौन सी कंपनी का है, फिर उसने न्यू बताना चाहिए कि यो कितना सेफ है, फिर यह बताना चाहिए कि कंपनी ये कहती है कि इसके ये साइड इफेक्ट है। अब जो आपको दिया जा रहा है आजकल, पहली खुराक दूसरी खुराक, उसके बनाने वाली कंपनियां ये कहती हैं कि इसके साइड इफेक्ट हो सके हैं। भैया बात चलो हो सके हैं, आप निकंदे होवेंगे, अपन यू कह रहे हैं, कंपनी कह रही है हो सके है, गवर्नमेंट कह रही है हो सके है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट कह रही है हो सके है, तो जब सरकार भी कह रही हो सके है अपनी वेबसाइट पर, वो भी कह रही है, तो डॉक्टर ने बताने में क्या रजा भाई मारता है कि नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आपको मतलब पैरों में दर्द भी हो सकता है, जोड़ा में भी दर्द हो सके, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सके, आपके सिर में दर्द हो सके, आपकी आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ सके, आपको खुजली हो सकती है, आपको दाने दाने हो कहने दराज सी हो सके है, आपका जी मचल सकता है, आपके अगर लेडीज हैं तो उनके पीरियड्स में दिक्कत आ सकती है, अगर आपके क्लोटिंग बन सकती है, भाई क्लोटिंग का तो इतना सा खेल है, जित भी खून रुक जाओगा उड़ेगा, हिस्सा काम करना बंद कर देगा, दिमाग में रुक गया तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट में रुक गया तो हार्ट अटैक, आपके शरीर का कोई और अंग हाथ में हो गया लकवा, पैर में हो गया तो लकवा, आपके प्रजनन अंगों में हो गया तो नपुंसकता और बांझपन, सिंपल है ना, जो अंग में रुक गया वो उड़े अपना वो, यहां तक कि वो कहते हैं कि मौत भी हो सकती है, कंपनी कहती है, हमारे पास उसकी फैक्ट शीट पड़ी, आप लोग वेबसाइट पर जाके टोलो उड़े पा जाओगी, आपने जिसने ना पाव मारती पूछ लियो, हम बता देंगे, नहीं तो बेच देंगे, जो भारत सरकार कह रही वो भी, जो कंपनी कह रही वो भी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर को बिठा के ये बताना चाहिए कि भाई तेरा शरीर है, तू मालिक है, जी करे तो लुआ, जी करे तो मत लुआ, धक्का नहीं है होना तो ये चाहिए, कर रहे हैं अक्तन उड़े नहीं जान देंगे, तू कौन भाई रोकनिया, जो इंदिरा गांधी ने करा, जो बंसीलाल ने करा, वो ये टाइम टाइम पे आपको मैं बता दूं, जिस तरह से आप अगर जिंदगी जियोगे
आपको दो चार चीजें समझनी पड़ेंगी। जिंदगी जीने का सलीका अपनी औलादों को देना पड़ेगा। आपने अपनी औलाद को स्ट्रगलिंग सिखाना बंद कर दिया, हमने तो वहीं इसे रख दिए। बोला बेटा तू तो पढ़ ले डांगरन तो मैं प्या लाऊंगा, तू तो पढ़ ले खेत में तो मैं जायाऊंगा, यो काम तो मैं कर लो, तू तो पढ़ ले। और पढ़ के मिला है वो देखे लिया होगा। अपनी पढ़ाई को भी इस लेवल पे लाना पड़ेगा मिलके समाज ने, कि वह समाज के काम आए ना कि नौकर पैदा करें। हमें अपनी जिंदगी को भी इस तरीके की बनानी पड़ेगी कि बीमार हो गए तो इसका इलाज अपने लोकल लेवल पे अवेलेबल हो। WHO अमेरिका की संस्था के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े हमारे को। हमने बेरा WHO उड़े बैठा, उसने बेरा उड़े तो ना सूरज लगता ना हवा लगती ना कुछ, सारा उड़े तो तापमान इतने खराब पड़े रहे हैं, भारत भर का माहौल कितने भी को नहीं। भारत में तो समंदर भी, रेत भी, ठंड भी, गर्मी भी, इससे टाइम पे मारा बाड़े कूड़े जा रहे हैं बम्बई। मैंने कह रहे हम तो आड़े पंखा चला के सोन लाग रहे हैं, आप आड़े गुदड़िया में भी जाडा लागन लाग रहे, हमारे पास ठंडे नहीं हो रहे और ताते नहीं हो रहे। तो यह समझने की बात है कि यहां जो चीज है ना इस देश के पास जो चीज है वो मुल्क किसी भी देश के पास नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए इसके ऊपर नजर है सबकी, इसीलिए यहां सबसे ज्यादा लोग पैदा भी हो रहे हैं, पैदा होकर प्यार से रह भी रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच किसी तरह मतलब पट्ट मच है, किसी तरह ये टूटे हैं, किसी तरह इनका बर्बाद हो है, तो आप कब्जा करेंगे ना इनके इन सामाना पे, जमीना पर, इन चीजों पर। तो ये जो साइड इफेक्ट आपको हो रहे हैं ये बताने का फर्ज है उन कंपनियों का, उन डॉक्टरों का जो आपको लगाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मारा है, दूसरी जो आपके बीच में आए हैं कि भाई जिसका जी नहीं करता लगवान का उसकी छूट होनी चाहिए, चाहे कानून में हो चाहे ना हो, अगर नहीं है तो लाओ कानून में। हालांकि भारत सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कल ने सुप्रीम कोर्ट कह देगी ना लाओ तो खेत है। इसलिए आप लोगों का विरोध करना जरूरी है, और जरूरी विरोध के कारण आपको ये खेल इसलिए समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आप में जागरूकता आ रही है। उसी का एक फायदा बता दूं जिसमें पूरी जनता जितने भी लोग हैं उनके विरोध के लिए एक मैं आपको चाहूंगा कि आप इस बात के ऊपर उन लोगों को अप्रिशिएट करें कि दिल्ली के वाले राक्षस ने, मैं उसको राक्षस इसलिए बोलता हूं कि अपने आड़ा तो खुली हवा में सांस लेने का 500 रुपये फाइन लिया करता, हरियाणा तो तोड़ दिया बैरियर, फिर दिल्ली में लाग गया जो रोड़ा कि हम कौन ढक दे भाई मुंह, दिल्ली वाले कहने लग गए तो वो दोस्तों 2000 लिया करता अरविंद केजरीवाल। उसने काल घोषणा कर दी कि ई बीओ जान लाग रही है बीमारी, अरे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है ना कोने उड़ दी जरूरत नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा है ना उसके साइड इफेक्ट समझ गए। तो जो अपने हरियाणा के लोगों ने विरोध करा है ना सरकार का, उसके लिए जोरदार तालियां बनती है एक बार तो है। दूसरी बात बता दूं, 27 तारीख से जो बीता हुआ कल है, 27 तारीख से इंग्लैंड पूरी तरह से खोल दिया गया है, कनाडा में एक प्रांत में बहुत पहले हो गया है। कारण क्या था, वहां लगभग एक साल से लोग सड़कों पे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन अभी भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे बचे हुए हैं जहां से अभी ये गया नहीं है। आप लोगों को लग रहा है क्योंकि हरियाणा के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं है किसी की भी, आड़े तो मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम नहीं कर पावे था किसान आंदोलन के दौरान, इसीलिए यह चूनी कर दे। लेकिन परसों की ही खबर है झारखंड के अंदर लोगों के अंदर घुस करके पुलिस वालों की मदद से लोगों को जबरदस्ती लगाए जा रहे थे, जिसके खिलाफ हमने आवाज भी उठाई थी, जिसके बारे में ये नंबर अपना भी आएगा अगर आप चुप हो गए तो, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों का खेल होता है, ये आपको धक्का देंगे आप थोड़े से सरक जाओगे, नहीं सोचोगे छोटा नहीं यार क्यों पंगा लिया, नहीं टीम नहीं हमार दो है, फिर थोड़ा और देंगे, फिर और देंगे, जब जीना मुश्किल हो जाएगा फिर क्या बीमारी है, जब अपन कह देंगे फिर ये रुक जाएंगे, ठीक है कौन गंदा कुछ। जुगर तेल की कीमत बदन की है, बधाई गए बधाई गए बधाई गए, 60 रुपया तो 100 रुपया पचा दिया, इलेक्शन हुए इलेक्शन में गदाका लग गया जब उपचुनाव में, बोला फिर 90 रुपये कर दिया, लेकिन न्यू तो कौन देखा ना 60 पे थे, 60 से 90 वाला तो देखा ही नहीं, अपन तो 10 रुपया पे कूद लिए, 10 रुपये घटा दिए, 10 रुपये घटा दिए, वह 30 बता लिए थे उनसे वह कित गए। तो जब आपने समझ में आवे है ना, जुकर सरकार जब आई थी
2014 में बड़ी उम्मीद लगी थी, अपने धक्का दिए गई दिए गई दिए गई दिए गई, और इब समझ मायरी तो नाश करन लाग रहा। लेकिन इब सोच के देखो 7 साल में कित जा लिए, सब कुछ तो बर्बाद हो लिया। इतने डॉक्टर साहब भी याद कराएं तो उस दुकान पर सामान लेने जावे यही मैं आपको बता रहा हूं कि हम केवल तब याद करते हैं जब बिल्कुल सिर पर आ जाए। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगली पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा कि कैसी शिक्षा, कैसा समाज, कैसी जीवन शैली, कैसी चिकित्सा, कैसा रोजगार, कैसा गांव किस तरह से बनाना है, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। जिस तरह से इन्होंने 50 साल इंतजार किया है हमारे बर्बाद होने का, ऐसे 50 साल और 100 साल का सोच कर निर्णय लेना पड़ेगा। आज हमारे पास ये पीढ़ी बैठी हुई है हमारे बुजुर्गों की, इनसे तजुर्बा लेकर के अगली 100 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब न्यू लाग गए ना जुगरों के था राजेश तकू दर चाल कट्ठे चल लांगे उड़ा नु बोला तू चाल मैं तो फिर आऊंगा, नहीं इतने कह देंगे अब तम बरा नहीं कौन सी पार्टी के हो, हम तो सज्जन वाले आगे भाई। अरे इस चक्कर से लकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो न्यू कहूं सज्जन भी उसे, मैं तो सज्जन कौन सा आ गया हमारे बीच में आके बताने सच्ची बात, उन्हें कुना बेरा नहीं होगा, उन्हें कौन सा बेरा नहीं होगा कि यू खेल चल रहा सारा बेरा, पर बोलने की हिम्मत क्या थे नहीं, क्यों नहीं बोलता हो, नेता बड़ा बन जाए, डोनेशन लेन बड़ी आ जाए, वोट लेन बड़ी आ जाए, जब लोग मरन लाग रहे जब कित थे मैं, या बात पूछनी पड़ेगी उनते जुड़से कांग्रेस वाले गुर्गे उनते भी, जुड़से भाजपा वाले उनते भी, जुड़से दूसरी और पार्टियां के हैं जितने भी हैं और नेता बने हैं, सब तो बुझना पड़ेगा। उमृति कहता रतन कौन सी पार्टी बनाई, पार्टी कौन बनाई भाई, हमने तो जो समाज के लिए काम करने लाग रहे थे संगठन उनको इकट्ठा करके जुकर संयुक्त किसान मोर्चा था न्यू, अपन तो अपना एक जनता सरकार मोर्चा बनाया, खाली हमने तो ये कहा है कि स्टूडेंट्स भी आ जाओ, तारी भी मांग थाऊंगे, थारती भी बैठांगे, अपना तो इरादा यो है। कहीं गांव वाले कहते बोला भाई देवेंद्र बलारा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, भले ले यही ना बोल दियो भाई मखा, जे तमी देवेंद्र बलारा ने नेता पकाओगे तो देवेंद्र बलारा बेच कर खाओगा जुगरिया पछले खागे, समझ रहे हो बात ने, जे आप किसे ने भी नेता पकाओगे वो है नाश करके जाओगा, कति पक्की बात है, क्योंकि है तो इंसान ही ना, अगर वो खरीदा नहीं जा सकता तो परिवार के नाम पे डर तो सकता ही है, बदनामी के नाम से तो डर सकता है के बरा के सीधी लिया मैं बना के मेरी है, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, तो किसी के भरोसे नहीं रहना कि युवा आदमी लड़ाई लड़ेगा, सीखो लड़ाई लड़ना और अपने गांव के पास ताकत रखो, सही को सही कहना सिखाओ अपनी औलादों को, सिर्फ इसलिए किसी चीज किसी दवाई को मत लो कि वह बटन कौन देवे, अगर आप मानते हो कि आपका शरीर आपका है, अगर आप ये मानते हो कि आपकी आपका हक है अपने शरीर के ऊपर, अगर आप ये मानते हो कि आप इसके सम्मान के सामने किसी को नहीं झुकोगे तो फिर नहीं झुकना भाई, लड़ांगे अपने सम्मान को बचाने के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के सम्मान को बचाने के लिए भी लड़ेंगे, जिस स्कूला में यू लाग रहा हमारे बालका की गेल इसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, जिसका जी करे भाई जिन्हें बढ़िया लगता हो लो सोबर लो अपन रोकते, लेकिन जिसने नहीं लगता उसके साथ जबरदस्ती नहीं सहन करी जाएगी, चाहे भी ये खोल लो चाहे ना खोल लो, अपने स्कूल खुद खोल लो, ये मास्टर की भर्ती नहीं करते तो हमारा नौजवान बालक रहे, इन मास्टर बनने की ट्रेनिंग देके स्कूल में बाड़ो, जरूर जरूरी नहीं है कि रुपया लेकर पढ़ाओगे, जब गांव के लिए सच्ची में काम करोगे ना, जब बच्चे काम करेंगे समाज के लिए तो समाज भूखा को मरने देंदा ना, मर्द भाई क्या खातर चाहिए आपने रुपये, रोटी खान खातर चाहिए, चालन खातर चाहिए, बीमार हो जाए तो हारी बीमारी में चाहिए, ये तो काम है, वो समान समूह नहीं तेना फालतू जरूरत पड़ा कौन करती आदमिया ने, ठीक थोड़े में भी काम चल जावे, दिखावे खातर तो रुपया की जरूरत पड़ा करे, रहन जीण खातर रुपया की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा करती, जिन चीजा की जरूरत पड़ा करे उन चीजा के बिना समाज मरण कौन देवे भाई, अगर समाज के लिए करोगे तो कुछ न कुछ, ये मैं उन नौजवानों को कह रहा हूं जिनसे नौकरी की बात देख रहे हैं, नौकरी कोना मिले, नौकरी मिलेगी जितनी मिल रही है ना इतनी पूरे भारत में, वो भी 1% है जितनी मिल रही है, यानी 1% ना भी कौन मिले, जब गांव में 2000 बालक बेरोजगार होंगे तो गारंटी है ना तो 7 साल में 5 तो फालतू लग गए होंगे,
अगला के लिए पांच तो फालतू और ना लग गया अगे नौकरी नहीं मिलेंगी कति गारंटी है, उल्टी उल्टा बर्बाद हो गए। तो अपने को समझना पड़ेगा कि कैसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करें कि एक लूप तैयार करें, खेती के साथ कनेक्ट करके समाज के साथ और आने वाले टाइम की जिंदगी कैसे बितानी है, अगले इस जो या पीढ़ी जो या बालक आपके पास बैठे हैं इनकी इनकी जिंदगी को कैसे बनाना है, इस पर विचार करना पड़ेगा। और लंबी लड़ाई है, हम तो क्या करा, मैं तो सुशील तक क्या करूं, जितने भी जनता सरकार मोर्चा के 21 आदमी हम बैठ के ना बात करा थे, काले बैठे थे हम जींद में बात कह रहे थे, जुगर नु बात चाल पड़ी भाई हम किस किस चीज पे काम करांगे, एक के हमारे मुद्दे होंगे, एक के रोल होगा, एक के बात फाइनल हुई थी मारी उड़ा है कि भाई आपा देंगे समाज तर राह, मारी नहीं कोई मंजिल, हमने मान लिया, हमने 21 जने तो कति नु डिक्लेयर कर दिया कि हम जो करांगे हमारी मारी पीढ़ी ने कुछ नहीं मिलना इसका, भाई जो यो बरगद गया पीपल लाग रहा है यो कुना आज लाग गया होगा, जो बड़े बरगदा की छाम आपा बैठा हाँ मुझको आज थोड़ा लागे हैं, जब आप छोटे छोटे होंगे जब कि लग गया होगा उसकी आज छा मिल रही है। तो इसी तरीके से जब भगत सिंह ने अपनी जान दी, राजीव दीक्षित ने जो समाज में जागृति फैलाई, उस भाई उन भाइयों ने जो कुर्बानी दी थी, उन्हें बेरा था कि उनकी पीढ़ी तो जाओगी न्यू है, अगली पीढ़ी ने कुछ मिल सका है। इस उम्मीद में है आपा कि आप इस चीज ने समझ लिया, समझ के अगले समाज का अगले 500 साल का डिसीजन ले लिया। तो निर्णय ये लिया था कि भाई आपा जो गांव का यूथ है, जितने भी बालक आड़े बैठे हैं और बड़कन लेगा अपनी गेला, एक कॉपी पेन लेकर रजिस्टर घर घर जाओ, घर घर जाके न्यू पता करो किसने पहली खुराक कद ली, दूसरी कद ली, तीसरी लेने की प्लानिंग है कि नहीं है, जब ना हो प्लानिंग तो आ जाओ गेला, प्लानिंग हो तो इब ले लो, जब प्लानिंग चौथी लेने की ना हो जब आ जाइयो, जब पांचवी की ना हो जब आ जाइयो, ये तो आ ही जाऊंगी। तो जिसके साइड इफेक्ट होया हो, चाहे थोड़ा होया हो चाहे ज्यादा होया हो, जिसके भी साइड इफेक्ट होया है वो आके मारदो रे लिखवाओ कि क्या तुम मुकदमा करना चाहो सरकार पे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लागू कर रखा है हमारे ऊपर 2 साल से, उस कानून के अंदर प्रोविजन है कि अगर अगर सरकार हमारे ऊपर आपदा प्रबंधन कानून लगाएगी तो हमारा हर खर्चा सरकार सहन करेगी, हमारी पढ़ाई का, हमारी दुकान के किराए का, हमारी गाड़ी की किस्तों का, हमारे लोन का, हमारे जो भी चीज का खर्चा है, हमारे खान पीन से लेकर छोटी से बड़ी चीज का, मारती मिला है कि कुछ नहीं मिला है ना, तो जितना नुकसान होया है ना पिछले 2 साल में सारा सरकार ने देना बना है, सारा लेवांगे, धक्का क्यों करा, नाश क्यों करा हमारा, जब बेरा लाग लिया सारा खेल चल रहा है, या है लड़ाई, उसके बाद अगले खाम खातर तुमसे नौजवान बैठा रखे बाट में, तमने ये लवा दिए पहली डोज दूसरी डोज और फिर उसके बाद हमें उन्हें वो भी नहीं कर रहे, आगे भर्ती भी नहीं पूरी कर रहे, जिनसे बालकना ते नौकरी दे सको नौकरी दो और नहीं दे सकते तो गांव के आसपास में रोजगार का इंतजाम करो और नहीं कर सकते तो निकलो आड़े तक, गांव अपने आप कर लेगा, क्योंकि समाज बताएगा सरकार को कि सरकार क्या करेगी, सरकार नहीं बताएगी लोगों को, इसीलिए ये जनता सरकार मोर्चा बैठ के ने बात करी थी कि भाई हमारा कोई मकसद नहीं है लोग जोड़न का, हम तो न्यू कहो हां कि गांव राम अपना एक संगठन तैयार करो, पूरा गांव मिलके ने हम बढ़िया काम करते दिखते हो तो मारती सीधा नु में भारती समर्थन दे दो, समझ गए जी, आपने न्यू दिखता हो हम गलत हां तो अपन न्यारे हैं, हमने कोई संगठन नहीं बनाना, बिना संगठन बनाए गांव को संगठित करने का विचार है जनता सरकार मोर्चा जिसका नाम है। तो इसलिए आप लोग अपने स्कूल खुलवाओ, अपनी लिस्ट तैयार करो, अपने बालका ने कहो कि भाई अपने बालक ये करो, आपको एजुकेशन पे भी बताएंगे, आपको खेत में किस तरह से आप अपने बीजों से पीछा छुटकारा पा सको इससे बचावांगे, अपने बालका ने बढ़िया खान पीन, उन चिकित्सा उनकी अगर बीमार हो जावे तो उन बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम, कैसे आयुर्वेदिक विधि से उन लोगों का अपना इलाज कर सका बिना किसी साइड इफेक्ट के, उन पे भी चर्चा करांगे। कुछ कहना चाहो तो सुशील भाई, मैं 2 मिनट और बैठ जाओ भाई, 2 मिनट और, हाँ तो कोई गलत बात निकली उसके लिए माफी, उम्मीद ये रहेगी कि गांव राम मिलकर इस दिशा में काम करेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय गांव जय देश। तो युवाओं का अपील करांगे भाई, अपनी जो भी आप कोई 10 आदमी 12 आदमी 20 आदमी 50 आदमी कोई बाउंडेशन नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने कहे देसी से आप समझ लो,
आप उसमें पंचर बाढ़ जिसका इंटरेस्ट है बुखार में दवाइयां में उतियापा गांव में मैं सिखाया कुछ लेन देन नहीं है वो गांव में था उसका इलाज कराएगा मैं ले जो बुखार आना है दो महीने पाछा डेढ़ महीना पाछा है इसमें के प्रेस करने का आमराम ने वो पहले पर्चे छपवाएगा अगर घर देवेंगे भाई इसमें इस बीमारी में या चीज छोड़नी या खानी या चीज छोड़नी ताकि बीमारी आवे नहीं ऐ भी आवे तो घबराना नहीं या दवाई अपना घर ले लो क्योंकि जो रोड़ा मेरे बात याद आएगी पिछले साल एक तरह मिला भाई ताई का दिक्कत होगी घनी और वही हो गया थोड़ा डर था आइए मैं गया माता ही क्या गया बोला बेटा हो गया वही काम मैं क्या था बोला बेटा ओल्ड था ओल्ड और कुआड़ा में को आया अरे ले लड़दा है और बैठ गया मतलब उसने टीवी देखा था सारी आने उसके नहीं होगी भाई ओल्ड आया है उसका दिमाग में चढ़गी बात हुआ उसका दौरा बैठिया में घंटा दो घंटा बतलाया उसको उसकी रोकर की थी वो अभी तरह माता कुछ नहीं होता दो तीन घंटे बैठे बोले भाई बात तो ठीक है तब मैं आएगी मैं ठीक होगी फिर एक उदाहरण और देऊंगा एक जना नूलिया नूलिया आइए भाई नूलिया नूलिया यू देख गया उसका घर उसका बड़ा भाई था थोड़ी दार दूर प्यार था खाट तला बढ़ रहा जनती मारा क्या गया बोले यू खड़े लठ ले बोले मारा का मन है अरे मैं कुछ नहीं बोला तू बोला शामी खड़ा लठ ले राम मैं मर लिया डॉक्टर साहब जैक रिपोर्ट देखी नहीं एक्टिव भाई को बुखार नहीं खांसी कुछ नहीं बनू ले खड़े लठ ले मारा का मन तो लोगों डर था यू जिस मरे लोग और गलत इलाज था मरे तो आप बतावा गांव राम ने क्योंकि ऋतुचर्या जो बताई गई वे किस मौसम में के खाना के नहीं खाना रसोई में दादी या गर्दीवानू बता दी बेटा इस मौसम में या चीज खानी समय या नहीं खानी उसका मजाक बना दिया इब की है बीमारियां आऊंगी क्या होंगी तो गांव में तो कुछ खासकर युवा का लिगड़ का हो जो जुम्मेवारी ले होगा मनजीत भाई दो बात कहो आप सबको राम राम जी मैं मनजीत हूँ गाँव करोड़ा से गुआंढी आपका ये तो बंद कर दो डॉक्टर साहब आपको दिक्कत कर दो बंद तो बस ऐसे घरेलू बात करनी है